नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। छात्र संगठन डीएसओ ने आज पीसी कॉलेज में किया प्रदर्शन। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, बैनर को आगे लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट चलेंगे। सभी लोग इसको घुमा लो। छात्र संगठन का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन, छात्र संगठन, लाइब्रेरी और एनुअल फंक्शन के नाम से छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ तीनों ही चीजें नहीं है। यहाँ पिछले 5 वर्षों से एनुअल फंक्शन हुआ ही नहीं, जिसके चलते वो पैसा छात्रों को वापस करना चाहिए। साथ ही 200 रुपए की फीस प्रति की है, उसे भी वापस लेना चाहिए। इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की, जिसके उपरांत जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना प्रस्तावित था। और कल भी कॉलेज प्रशासन को बताया गया था कि जो फीस बढ़ाई गई है उसे अविलंब वापस लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन द्वारा फीस को नहीं कम किया गया है। उसी को लेकर हम सभी यहाँ पर लाइन लगाकर अभी कलेक्टर महोदय के कोरी समाज का होना है चुनाव। समाज के लोग चुनाव रोकने पहुंचे कलेक्टर के समक्ष। समाज के लोगों का आरोप है कि राजू पंच जो इस चुनाव का आयोजन करवा रहा है, जिसके किसी भी समाज बंधु का सहयोग प्राप्त नहीं है, इसी चुनाव प्रक्रिया को रोकने के उद्देश्य से समस्त समाज बंधु आज कलेक्टर राजेश जैन से मिले और गुहार लगाई कि चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तहसील अध्यक्ष रघुनाथ दामले, पूरी समाज और समाज द्वारा चुनाव के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत जो चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए उस चुनाव को रोक लगाने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। और राजू पंत अपने आप में स्वयंभू बनकर उसने 11,000 फीस रखी अध्यक्ष की, और वो अपने आप में अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ा रहा है, खुद लड़ रहा है। मैंने कोई समाज की कोई सहमति नहीं है। तो अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? जी, कलेक्टर साहब से मिले आप? अभी नहीं मिले, अभी है नहीं ना, ज्ञापन देने आए, अभी नहीं दिया। रमजान के पवित्र माह चल रहे हैं, ये महीना इबादत का होता है। इस पूरे माह के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं। इबादत के साथ ही गरीबों और असहाय लोगों की मदद भी इसी माह में की जाती है। मदरसा नूरुल उलम बलखेड़ी बाट 12 राधोगढ़ के संचालक काजी अनिस रहमानी, प्रेसिडेंट जमीयत उलेमा ए हिंद के द्वारा मदरसे पर गरीबों को ईद के उपलक्ष्य में खाने का सामान बांटा। इस अवसर पर बड़ी तादाद में बच्चे और समाज के लोग मौजूद थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से पकड़ा एक 36 भैंसों से भरा ट्रक। बजरंगियों ने सिरोंज से आ रहे भैंसों से भरे ट्रक का पीछा किया तथा बजरंगर थाने के आगे ट्रक पकड़ा। रात्रि 12:30 बजे की घटना। भैंसों से भरे ट्रक में बैठे 3 व्यक्तियों में से थाना प्रभारी ने केवल एक पर कार्रवाई की। रात्रि 1 बजे से शुरू हुई बारिश भैंसे ट्रक में खड़ी रहीं। बजरंगियों के कहने पर भी भैंसों को सुरक्षित काजी हाउस नहीं भेजा गया। साथ ही कार्रवाई करने के उपरांत थाना प्रभारी अपने घर चले गए। ट्रक में 36 भैंसे जबरदस्ती ठूस ठूस कर भरी गईं। इतनी बारिश के बाद भी ना तो थाना प्रभारी बजरंगर को भैंसों पर दया और ना ही थाने के किसी कर्मी को। रात के समय थाने में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। मोबाइल की लाइट की सहायता से कार्रवाई पूरी की गई। रात भर पानी में खड़े रहने के बाद सुबह भैंसों को थाने में ही उतार दिया गया। दोपहर तक भैंसों को काजी हाउस नहीं भेजा गया था। सर, क्या नाम है आपका? मैं सब इंस्पेक्टर राम शर्मा, थाना प्रभारी, बजरंगढ़ी।
बजरंग स्थान पर। सर अभी आपने जो भैंसों से क्रूर तरीके से भैंसें भरी हुई थी ट्रक पकड़ा था, उसकी क्या कार्रवाई कैसे क्या हुआ है बताएंगे? मुझे जिला संयोजक है अपने सुरेश शर्मा जी, नहीं विभाग विभाग मंत्री बोले, फोन आया कि ऐसे ऐसे करके कुछ ट्रक में जानवर अवैध रूप से भर कर ले जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी उनके पीछे हैं, आप अपडेट थाने के सामने चेकिंग कीजिए। सूचना पर से हमारा फोर्स के थाने के सामने चेकिंग लगाई तो एक क्रमांक AB07HB3695 इसको संदेह का होने से रोका। बाद मजा मंडल के कार्यकर्ता जो मेरे भाई साथ खड़े हुए हैं सारे इनके साथ ये अपने अंडा फोर्स से जब ट्रक को चेक किया तो ट्रक में क्रूरतापूर्वक 34 भैंसें भरी हुई थी जो कि क्रूरता पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दंडनीय है, जिससे उक्त ट्रक एवं उसमें भरी भैंसों को अपराध में आवश्यकता होने से मौके पर ही समझ पहचान जब्त किया गया। बाद आरोपी ड्राइवर को समझ पहचान गिरफ्तार किया गया है एवं उसका जमानत दर अभी उपस्थित रहेगी, जमानत दर उपस्थित होने पर उसकी जमानत ले दी जाएगी। इसमें कुछ 5 लोग थे ना सर? इसमें अभी मेरी जानकारी में 3 लोग हैं तो 2 वो मजदूर बता रहे हैं अपने आप को, तो इसके मेमोरेंडम अभी वो सवारी भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, तो जो ड्राइवर का मेमोरेंडम रहेगा उसके आधार पर उनको मजदूर बनाया जाएगा। वो उक्त दोनों लोग को अभी मेरी कस्टडी में मात्र 3 लोग हैं। नहीं सर 5 ही है ना, वो तो 2 आप देख लीजिए। नहीं सर 5 है, देख लो अंदर में सर 2 ही है, वो 3 है टोटल, देख लीजिए आप देख लीजिए जाकर। आपने देख लिया? हाँ, तो 3 लोगों को उसमें ड्राइवर के मेमोरेंडम आधार पर उसको मिलियन बना लिया जाएगा। कार्रवाई चल रही है, वापसी वही FIR होने वाली है, अपराध क्रमांक 98/17 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम। बस शांति समिति की बैठक आज जिला पंचायत भवन में संपन्न हुई। ईद के त्यौहार के मद्देनजर शहर में अमन शांति के लिए उक्त बैठक का आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे पुलिस पर कोई जानवर आकर बीच में नमाज के समय उस समय ना आए और लाइटिंग वगैरह उच्च शिक्षा मंत्री एवं गुना जिले के प्रभारी मंत्री जयबान सिंह पवैया ने मधुसूदनगढ़ थाने का किया लोकार्पण। लंबे समय से चल आ रही थी थाने की मांग, थाना मिल जाने से आज जनता को राहत मिली। आज जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री जयबान सिंह पवैया ने मधुसूदनगढ़ थाने का लोकार्पण कर इस जनता की मांग को पूरा किया। मधुसूदनगढ़ व उकावत के आसपास के क्षेत्र में करीब 102 गांव, यहां की जनता बहुत परेशान थी, अब जाकर अपनी समस्याओं से निजात मिलेगा। साथ ही यहां थाना होने से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी। थाने के लोकार्पण के दौरान क्षेत्रीय विधायक ममता मीना और जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान, जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक और जिले के कलेक्टर SP सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चाचौड़ा विधायक श्रीमती ममता मीणा जी का स्वागत करें। स्वागत के बेला में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगी कि वे आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।